सबसे पहले मेरे विश्वविद्यालय के समस्त धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे पिछले 5 साल उन्होंने संघर्ष किया, मेरा साथ दिया। जिस प्रकार विश्वविद्यालय में हमेशा मैंने उनके लिए किसी भी प्रकार के कोई भी काम हमेशा मैंने उनको कहा तो छोटे मैं एक बार उन्हें मेरे सभी मतदाताओं का, मेरे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद अब देना चाहता हूँ। मैं मेरे भाई अरुण सिंह को बधाई देना चाहता हूँ। जो आ रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर जब भी किसी भी छात्र का हो, चाहे किसी भी भाई का, किसी भी बहन का, कैसे भी काम हो तो हमेशा उनके लिए मदद करते रहना। और विश्वविद्यालय को एक ऐसे आयाम तक पहुँचाना, हालाँकि जो मेरे मन में थी कि मैं विश्वविद्यालय के लिए कुछ कर पाऊँ, मेरे भाई बहनों के लिए कुछ कर पाऊँ, पर कहीं ना कहीं जो ग्रहण ऐसे चुनाव के दो पहलू होते हैं मैदान में, एक दो खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी का हारना तय होता है और एक खिलाड़ी का जीतना तय होता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। मेरा आंसर ये भी कहना है जब भी विश्वविद्यालय के अंदर उनका काम करना, एक बार सुना मैं मेरे सभी मतदाता हूँ। प्रक्रिया से आप कितने वोटों का रहा और कितने आप क्या कहना चाहोगे, कितने वोट का रहा अंतर? मतगणना हुई, किसी भी प्रकार का कोई कुछ कितने वोटों का सर? 905 सीआरएम मैडम आ जाओ सर, सीआरएम जावे कहीं बुला बने अरविंद जी ने आप चुनाव जीते हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये आज की जीत है, ये पूरे छात्र शक्ति की जीत है। धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त, थोड़ा पीछे रहो, थोड़ा पीछे। इन्होंने विश्वविद्यालय में नवाचार स्थापित करने के मतदान किया, साथ ही मेरे साथ जो भी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे उन्हें मैं कहना चाहूंगा ये लोकतंत्र की हार कोई जिंदगी की हार नहीं है। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हम सब का उद्देश्य यही था, हम सदैव छात्रों के लिए काम करेंगे, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने का। निसंदेह बिल्कुल मार्जिन और बढ़ सकता था, परंतु फिर भी ईश्वर हमारे साथ था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम मतदाता। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल छात्रों को लेकर जो भी है उनके सुझाव होंगे उनके अनुसार काम करेंगे। वोटों का डिफरेंस 905 वोटों से जीत।